नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विटामिन क्या है, सबसे पहला विटामिन किसने डिस्कवर किया, विटामिन को सबसे पहले किसने किस नेम से इन्वेंट किया, फैट सोल्युबल विटामिन कौन से एंड वाटर सोल्युबल विटामिन कौन से, और उनके क्या क्या केमिकल नेम्स है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे एक एक विटामिन का डिटेल डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे उसका डाइटरी सोर्सेज क्या है, डेली रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स क्या है, और उसका ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या काम मिलेंगे। देखो, सबसे पहले विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन वर्ड्स है ये टू वर्ड्स के मिलकर बने। जो विटामिन वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स, और ये टू वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से, दैट इज द वाइटा और अमाइन, वाइटा और दूसरा वर्ड है अमाइन, वाइटा और अमाइन। देखिए डियर, वाइटा का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू लाइफ, वाइटा इज ऑलवेज रिलेटेड टू द लाइफ, वाइटा इज रिलेटेड टू द लाइफ। और जो अमाइन वर्ड है दैट इज द क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड का एक क्लास है, क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो सिंपली अगर हम लोग बोले कि व्हाट इज विटामिन्स, तो विटामिन्स हम लोग बोल सकते हैं कि लाइफ के लिए असेंशियल है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिक्वायरमेंट है बट लाइफ के लिए असेंशियल है, और ऐसे लाइफ के लिए असेंशियल कंपाउंड्स का जो क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विटामिन्स। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बोले कि अगर 1905 के अंदर सबसे पहले जो विलियम फ्लेचर ने इस विटामिन वर्ड को सबसे पहले बोला स्पेशल फैक्टर, विलियम फ्लेचर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको एक नाम दिया स्पेसिफिक फैक्टर, पहले विटामिन वर्ड नहीं था, उन्होंने सबसे पहले इसको नाम क्या दिया, स्पेसिफिक फैक्टर्स उन्होंने नाम दिया। उस 1905 के बाद में 1912 के अंदर केसमीर फंक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले वर्ड विटामिन्स को कॉइन किया। वर्ड विटामिन्स को अगर आपसे पूछे किसने कॉइन किया, केसमीर फंक ने कॉइन किया, और अगर बोले कि पास्ट टाइम में विटामिन्स को किस नाम से जाना जाता था, दैट इज द स्पेसिफिक फैक्टर, और स्पेसिफिक फैक्टर वर्ड गिवन बाय द विलियम फ्लेचर। देन उसके बाद हम लोग बोले कि फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहला फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन कौन सा है, दैट इज द विटामिन बी वन। फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन अगर आपसे कोई पूछे तो दैट इज द विटामिन बी वन, और विटामिन बी वन डिस्क्राइब हुआ था सबसे पहले 1910 के अंदर, सबसे पहला जो विटामिन जो आया था दैट इज द विटामिन बी वन, और ये आया था 1910 के अंदर। अगर हमसे बोले कि फैट सोल्युबल विटामिन सबसे पहला कौन सा है, तो दैट इज द विटामिन ए। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट फैट सोल्युबल विटामिन डिस्कवर्ड, तब हम लोग बोलेंगे दैट इज द विटामिन ए। सबसे पहला फैट सोल्युबल विटामिन कब डिस्कवर हुआ, कौन सा डिस्कवर हुआ, दैट इज द विटामिन ए, और विटामिन ए कब डिस्कवर हुआ, 1913 के अंदर। देखो ये विटामिन के कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि सबसे पहला विटामिन कौन सा डिस्कवर हुआ, दैट इज द विटामिन बी वन 1910 के अंदर, फर्स्ट फैट सोल्युबल विटामिन कब आया, दैट इज द विटामिन ए 1913 के अंदर। अब देखो हम लोग बात करते हैं विटामिन का क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, इस विटामिन से रिलेटेड क्लासिफिकेशन, दो तरह की क्लासिफिकेशन हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, एक फैट सोल्युबल विटामिन पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वाटर सोल्युबल विटामिन। तो फैट सोल्युबल विटामिन कौन कौन से हमारे पास, जो फैट के अंदर सोल्युबल है और वाटर के अंदर इनसोल्युबल है, कौन कौन से, विटामिन ए डी ई और के। देखो हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो सबसे पहले फैट सोल्युबल विटामिन, और दूसरे हमारे पास है वाटर सोल्युबल विटामिन। देखो नाम से सिंपली समझ में आ रहा है फैट सोल्युबल, ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर क्या है, सोल्युबल है। ये विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देखो विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द रेटिनॉल, क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। इसी विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं विजन विटामिन, क्या बोलते हैं, विजन विटामिन।
ऐसा विटामिन जो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन ए या रेटिनोल। और विटामिन ए से रिलेटेड हमने पढ़ा कि सबसे पहला फेट सोल्यूबल विटामिन जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा था, विटामिन ए। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं दैट इज द विटामिन डी। और विटामिन डी कौन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिट्रायोल। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिट्रायोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज द सन साइन विटामिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन साइन विटामिन। अगर आपसे बोले कि सन साइन विटामिन हम लोग किसको बोलते हैं, दैट इज द विटामिन डी को। देन विटामिन ई, विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं दैट इज द टोकोफेरोल। टोकोफेरोल क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल। इस विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरिलिटी विटामिन, स्टेरिलिटी विटामिन। स्टेरिलिटी के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होगा। देन आता है विटामिन के, विटामिन के इज द पाइलोक्विनोलॉन्स, पाइलोक्विनोलॉन्स। विटामिन के इज ऑल्सो नोन एज द क्लॉटिंग विटामिन। देखो क्लोटिंग विटामिन इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं, कि जो ब्लड क्लोट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो सबसे पहले इस विटामिन के से रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स इन्फेंट में देखा जाता है, दैट इज द हेमरेज। क्यों, क्योंकि विटामिन के का सिंथेसिस कहां पे होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। जो नॉर्मल फ्लोराज प्रेजेंट होते हैं दैट विल फॉर्म द विटामिन के, बट जो इन्फेंट्स है उनके इंटेस्टाइन के सी स्ट्राइल, तो वहां पे जो नॉर्मल फ्लोराज है वो डेवलप नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे तो विटामिन के का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए जब न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है दैट टाइम हम लोग इंट्रामस्कुलर रूट से विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि बच्चे में ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं हो। अब दूसरा विटामिन हम लोग बात करते हैं, दैट इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। देखो वाटर सोल्यूबल से सिंपली हम लोगों को इतना समझना है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन वो विटामिन होंगे दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। वो किसके अंदर होंगे, वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे, वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे बट नॉट सोल्यूबल इन फैट, फैट के अंदर वो सोल्यूबल नहीं होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इस विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो इसके अंदर होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो विटामिन हमारे पास आएंगे कि विटामिन कौन कौन से, इस अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन की हम लोग बात करें तो वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर हमारे पास होंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे बहुत सारे विटामिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से विटामिन होंगे, उनका क्या क्या केमिकल नेम होगा, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले विटामिन बी वन, विटामिन बी वन। देखो जो विटामिन बी वन है, विटामिन बी वन, विटामिन बी वन को हम लोग बोलते हैं दैट इज द थायमिन। विटामिन बी वन इज द थायमिन, विटामिन बी वन that is the thymine, and vitamin B2 that is the riboflavin, that is the riboflavin। देखो विटामिन हमने पढ़ा वाटर सोल्यूबल विटामिन, और इस वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन बी वन दैट इज द थायमिन, विटामिन बी टू दैट इज द राइबोफ्लेविन, देन उसके बाद में हमारे पास होगा नाइसिन, विटामिन बी थ्री दैट इज द नाइसिन, देन उसके बाद में आएगा दैट इज द पेंथोनिक एसिड, पेंथोनिक एसिड दैट इज द विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स दैट इज द पाइरिडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन दैट इज द बायोटीन, विटामिन बी सेवन दैट इज द बायोटीन, विटामिन बी नाइन दैट इज द फोलिक एसिड, विटामिन बी नाइन दैट इज द फोलिक एसिड, एंड विटामिन बी ट्वेल्व दैट इज द साइनोकोबालमिन, विटामिन बी ट्वेल्व दैट इज द साइनोकोबालमिन। और विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट को पर्निशियस एनीमिया होगा। विटामिन बी वन जिसको हम लोग बोलते हैं थायमिन, विटामिन बी टू जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री जिसको हम लोग बोलते हैं नाइसिन, विटामिन बी फाइव जिसको हम लोग बोलते हैं पेंथोनिक एसिड, विटामिन बी सिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं पाइरिडॉक्सिन, और विटामिन बी सिक्स या पाइरिडॉक्सिन
बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आएगा, जो एडीटी थेरेपी के अंदर विटामिन B7 जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटिन, जो हेयर्स के लिए नेल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, विटामिन B9 जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालमिन। हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं दैट इज द एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इज नोन एज द एस्कॉर्बिक एसिड। ये देखो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा कि वाटर सोल्युबल विटामिन कौन से है, फैट सोल्युबल विटामिन कौन से, विटामिन्स क्या है, फर्स्ट विटामिन डिस्कवर कौन सा हुआ, फैट सोल्युबल कौन सा डिस्कवर हुआ, विटामिन्स को पहले क्या बोलते थे, एक टर्म आता है इन विटामिन से रिलेटेड हाइपर विटामिनोसिस, किसी भी विटामिन की एक्सेसिव इनटेक हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर विटामिनोसिस। अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक विटामिन से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज मैं बता देता हूँ, राजस्थान सीएचओ का एग्जाम कैंसिल हो चुका है जो लास्ट 19 February 2023 के अंदर कंडक्ट हुआ था, वापस से उस एग्जाम को कैंसिल करके रीडेट उसका अनाउंस हो गया है, दैट इज द 3 March 2024। तो उस एग्जाम सीएचओ एग्जाम्स या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।